अब देखें बड़ी मजेदार बात, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लम्मा नजलत बनु कुरैज़ा था अला हुक्म सादिन हुआ इब्न मुआज़ बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना करीब मिनहु फजा अला हिमार फलम्मा दना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूमू इला सय्यदिकुम। बनु कुरैज़ा में जब जंग हुई ना किले में, तो हजरत साद बिन मुआज़ ने अपने लोगों को जंगजू जितने थे उनको फरमा बस ठीक है उतर जाए नीचे, या ब्रेक हो गई या जंग रुक गई या जंग खत्म हो गई, वो हमारा मजमून नहीं है, ठीक हो गया। जब वो सारे उतरे हुजूर के पास आ गए तो हजरत साद करीब ही थे लेकिन वहां मौजूद नहीं। अब देख लो तो बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकाना करीब मिन को हुजूर ने साद को बुलाया, फरमाया साद को बुलाओ, फजा अला हिमारिन फलमा दना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुमुला सय्यदिकुम। हजरत साद गधे पर सवार होकर तशरीफ ला रहे थे, तो जब करीब हुए तो हुजूर फरमाए उठो अपने सरदार का इस्तकबाल करो। बड़े का अच्छा मैंने आपको पहले बताया ना, अक्ल और शऊर अल्लाह से सबसे पहले इल्म है, अक्ल सलीम मांगनी चाहिए, ना हो तो मोटे ही मांगो फिर तो जो मर्जी करो। यानी यहां ये बताया हुजूर फरमा रहे हैं कि अपने बड़े का एहतराम करो, तो जो जिसका बड़ा होगा उसका एहतराम मुस्तफा करीम के इस इरशाद से साबित हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो जंगजू हो या वो ऐसा हो या वो ऐसा हो, वो इसी फैमिली से ताल्लुक रखता है, ऐसा नहीं। बड़े के एहतराम का हुजूर ने खुद हुक्म दे दिया, बस।